काइट अलग छवि है। पैरेललोग्राम से भी, ट्रैपेजियम से भी अपना एक अलग छवि है, ठीक है, है ना, सब बनाते हैं ना। देखिए काइट का क्या है, काइट वर्ड से है ही, वही है पतंग उड़ाना। क्या होता है, उड़ाते हो पतंग, उड़ाया होगा अभी भी बचपन में ही हो, तो जब भी सीजन आता होगा तो जरूर इसको पतंग उड़ाते हो, तो कभी उसके ऊपर स्टडी किया है, ठीक है। अब तो छोटे छोटे क्लासेस में भी दे दिया गया है, इस शेप के बारे में बता दिया गया है कि, लेकिन हम फिर भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं इससे, इसलिए इसके ऊपर स्पेशली टीम ने वर्क करके आपको देखिए इसके पॉइंट बताए हैं कि अगर आपने इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं काइट के लेकर, तो काइट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट आपको जनरली मिलेंगे नहीं, समझाए जाएंगे नहीं, बस एक आध फिगर, जिसकी वजह से काइट फैमिलियर नहीं होते। चलिए आते हैं काइट के ऊपर। देखिए काइट ऐसे दिखता है, ठीक है, उड़ाइए इसको आकाश में, चलाइए, नाम इसका दे देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम क्या हो गया, ए बी सी एन डी, ठीक है। आते हैं एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइट्स आर इक्वल, एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइट्स आर इक्वल, मतलब ऐसा नहीं कह रहे सारे साइड इक्वल है, दो पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइट्स जो है वो इक्वल है, वर्ड से ज्यादा शायद आपको मैं फिगर में मेंशन करूं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दोनों एकदम इक्वल होंगे, है ना, कंजुगेटिव टू पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइट्स आर इक्वल, ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। अब यहां पर देखिए अगर इसके पेयर में कंजुगेटिव में कौन सा है, ठीक है, फिगर से भी मेंशन है, ऐसे भी दिख रहा है, और हमने यहां पे मेंशन भी कर दिया आपको कि किस साइड को हमें पहचान करनी है कि ये हमारा इक्वल है। ओके डन, तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सबके सब, है ना, कंप्लीट स्टडी इज ऑलवेज बेटर। हमें कभी भी कोई पूछता है ना कि सर कितने मार्क्स का आता है, ये कितने मार्क्स से आता है, ये क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए एक चीज क्या होता है कि मार्क्स अगर कम है तो वहाँ कंटेंट कम होंगे, मार्क्स ज़्यादा है तो वहाँ कंटेंट ज़्यादा होंगे, नेचुरल सी बात है। और हमेशा कंप्लीट स्टडी पर जाइए, हमेशा कंप्लीट स्टडी, तो किसी चीज़ को कंप्लीट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है डन। अब ये छाट के पढ़िए, वो छाट के पढ़िए, बाद में समझ में, छाटने में यही होता है, छाटने लगते हैं तो फिर दूसरी चीज़ का भी गैपिंग बन जाता है। देखिए तो इंपॉर्टेंट ये हो गया हमारा, फिगर से भी हमने समझ लिया, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, वर्ड को हमें समझना है, लॉन्गर डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, अच्छा इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, तो ए बी बी सी हो गया इक्वल, और ताकि लिखने से भी, चाहे बात बताने से हो, लिखने से हो, जैसे भी हो, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए फिर है लॉन्गर डायगोनल, द लॉन्गर डायगोनल जो है शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, वर्ड समझिए, सेंटेंस समझिए, कौन किसको बाइसेक्ट करता है। तो पहले हम पहचान कर लेते हैं, दोनों डायगोनल बना लेते हैं, फिर देखते हैं लॉन्गर कौन है और शॉर्टर कौन है। देखिए हमने यहां से ये बनाया, हमने यहां से ये बनाया, अब आप इस फिगर में देखो कौन सा लॉन्गर डायगोनल लग रहा है आपको, एसी लग रहा है लॉन्गर डायगोनल में, नहीं एसी कैसे, एसी तो छोटा सा है, आप इसको सिंपल देख करके भी बता सकते हो, ये देखो ऐसे हो नप गया, अब इसको देखो ये नप ही नहीं रहा, तो लॉन्गर डायगोनल कौन सा है, बीडी है, तो बीडी यहां लिख देते हैं, क्या बीडी बाइसेक्ट करता है किसको, शॉर्टर डायगोनल यानी एसी, अब समझ में आ रहा होगा, यानी ये इसको बाइसेक्ट करता है, यानी ये सब क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, इसका अगर हम यहां पर ए ओ कर दें, इंटरसेक्ट वाला केस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक है डन। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, ये तो ऐसे भी नहीं दिख रहा है कि बड़ा वाला को बाइसेक्ट करेगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी तो इसी किसी जन्म में नहीं दिख हो सकता है, और ये दिख भी रहा है और यही चीज कह रहा है, लेकिन फिर भी समझने के लेवल पर मस्ट है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, एक पेयर जो है अपोजिट एंगल्स इक्वल है, एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है,
तो क्या ये इक्वल दिख रहा है आपको? ये तो नहीं दिख रहा है। कौन सा अपोजिट एंगल इक्वल हो सकता है? ये वाला। डन, क्लियर है? वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, दो पेयर है ना तो एक उसमें इक्वल है, ठीक है। डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। आप देखिए कितना संभाल करके सेंटेंसेस को लिखा गया है, एकदम केयरफुली। परपेंडिकुलर हर जगह यूज आ रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन यहां सिर्फ कह रहा है कि परपेंडिकुलर है किसके? ईच अदर के। तो ये सारे 90 हो जाएंगे आपके, ये सारे 90 हो जाएंगे, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक लॉन्गर वाला शॉर्टर को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर नहीं कर रहा है। तो 90 डिग्री लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर यहां पर अपोजिट एंगल इक्वल है तो इसको हम ए इक्वल टू सी लिख सकते हैं, और अपने समझे हुए कॉन्सेप्ट से ये बाकी चीजें ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी, ए ओ डी इज इक्वल टू ए डी ओ सी, ठीक है, डी ओ सी। तो ये काइट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हम समझ चुके हैं कैसे ये चीजें काइट के। तो ये फोर पॉइंट्स है काइट के लिए, देख लीजिए फोर के फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। काइट भी अब आपको फैमिलियर हो चुका है, आप समझ चुके हो, कहीं भी ध्यान आए कैसे, तो कंजुगेटिव एडजेसन साइड्स इक्वल हो रहे हैं, फिर एक पेयर अपोजिट एंगल इक्वल हो रहे हैं, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर को बाइसेक्ट कर रहा है, और डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर कर रहा है ना कि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है।